आपका स्वागत है, मैं सोनाली। आइए देखते हैं आज की कुछ अहम खबरें। गुड़गांव तथा भागलपुर में डीआईजी विकास वैभव के सम्मान में विदाई सह सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कहलगांव में विक्रमशिला मीडिया ग्रुप के सदस्यों द्वारा डीआईजी विकास वैभव का बटेश्वर स्थान में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर पहुंचे डीआईजी ने सर्वप्रथम बाबा बटेश्वर नाथ महादेव की पूजा अर्चना की तथा मंदिर प्रांगण में रुद्राक्ष तथा स्वर्ण चंपा के पौधे लगाए एवं गंगा के दर्शन किए। अपने उद्गार व्यक्त करते हुए उन्होंने ग्रुप के क्रियाकलापों की सराहना करते हुए भविष्य में हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि वे जहां भी रहेंगे उन्हें बटेश्वर तथा विक्रमशिला से लगाव कायम रहेगा। उन्होंने विक्रमशिला और बटेश्वर की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि ज्ञान का प्रकाश पुंज फैलाने वाली यह धरती इतिहास को अवश्य दोहराएगी। मौके पर ग्रुप के सदस्यों के अलावा एसडीओ सुजय कुमार सिंह, डीएसपी रेशु कृष्णा एवं अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। कोई भी बड़ा काम प्रारंभ करने में जब शुरुआत होती है पता नहीं चलता, बहुत छोटा लगता है, लेकिन उसके रूप बृहत होने में आपको अनुभव ही नहीं होगा किस प्रकार से यात्रा बढ़ती चली जाती है। कुछ कुछ मुझे वैसा दिख रहा है जो प्रभाव था, लगभग एक साल से अधिक हो चुका, उस रूप में धीरे धीरे और भी लोग जुड़ते जा रहे हैं और जो जिस प्रकाश को फैलाने के लिए विक्रमशिला के उस प्राचीन प्रकाश को फैलाने के उद्देश्य से इस ग्रुप की स्थापना हुई, आने वाले भविष्य में निश्चित ही मुझे पूरी उम्मीद है उसमें सफल होगी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जब आधुनिक रूप में यहाँ स्थापित होगा तो देश के अलग अलग भागों से छात्र आएंगे, विद्या की रोशनी जलेगी और जिसने कभी विश्व को आलोकित किया था उस भूमिका में हम लोग उसको फिर देख पाएंगे, यही मेरी शुभकामना है। वहीं भागलपुर में एक स्थानीय होटल में डीआईजी विकास वैभव का विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर एसएसपी आशीष भारती, डीएम प्रणव कुमार, नौगछिया एसपी निधि रानी सहित कई बड़े पदाधिकारी एवं इंस्पेक्टर व थाना अधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि डीआईजी विकास वैभव का भागलपुर से स्थानांतरण एटीएस में हो गया है। वैभव का कार्यकाल बहुत ही सराहनीय रहा है। डीआईजी विकास वैभव ने कहा कि भागलपुर एक ऐतिहासिक जगह है। पुलिसिंग की शुरुआत भागलपुर से ही की थी। प्रोन्नति के बाद यहां पहली पोस्टिंग हुई थी। कुछ काम मन में रह गया है जो आगे पूरा करना होगा। वहीं डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि हर संवेदनशील मौके पर उनकी सलाह अहम होती थी, जिसकी कमी खलेगी। जब मैं यहां आया था तो डीआईजी के रूप में मेरी पहली पोस्टिंग थी। अभी तक इससे पहले जहां भी रहा था, एक पुलिस अधीक्षक के रूप में मैंने कार्य किया। करीब 4 वर्ष एनआईए में भी रहा और उसके पहले बघा, रोहतास, दरभंगा और बाद में पटना और बहुत कम समय पूर्णिया में भी रहा। जहां भी रहा एक पुलिस अधीक्षक के रूप में एक भूमिका बहुत अलग थी। जनता से चावल लेके जब मकर संक्रांति के समय आई जाते थे या बघा से भी लोग आते थे, एक बड़ा अलग व्यवहार रहा था। जब यहां पर आया तो एक नई भूमिका थी एक डीआईजी के रूप में। अभी तक जो सुनता आया था यही थी कि आपकी रिटायरमेंट की प्रोसेस शुरू हो गई है और डीआईजी की कोई भूमिका नहीं होती है, सम्मान का पद है, काम का पद नहीं है। चलिए मैंने भी माना, अच्छा भी लगा। मुझे लगा कि जो पुस्तक लिखने की सोच रहा था उसका समय आ गया है और कुछ कुछ वैसा ही रहेगा। तो अपनी नई भूमिका को जब तक समझता उससे पहले ही बहुत सारी समस्याओं के रूप में लोग आने लगे और मेरे मन में द्वंद्व था कि सबसे मिला जाए या नहीं मिला जाए। अगर बहुत चीजों को परिभाषित करें तो आदमी प्रक्रियाओं को जटिल बनाता जाता है, चाहता है लोग उससे नहीं मिले, कोई टेंशन तनाव नहीं आए। कोई तनाव आएगा तो लोग आपसे पूछेंगे, आपसे लोग अन्य स्थानों के साथ भी बहुत देने की क्षमता रखती है। विक्रमशिला के इतिहास को देखकर हम देखते हैं किस प्रकार से एक संपूर्ण तिब्बत में जो धर्म फैला, इसका प्रसार हुआ, आज भी जो जीवंत है उसकी जड़ें यहीं विक्रमशिला में मिलती हैं। अनेक क्षेत्रों में इस क्षेत्र का योगदान रहा इतिहास में। वर्तमान को जब मैंने नजदीक से देखा, पहले प्रोफेशनल के रूप में देखा था, बहुत नजदीक से शायद नहीं समझ पाया था, अभी जब देखता हूँ बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। कुछ लोग उसमें ऐसे भी घुसे हुए हैं जो बहुत ही नकारात्मक है।